राधा कृष्ण विखे पाटिल मंत्री हैं, जिन पर एक शख्स ने हल्दी फेंक दिया। हल्दी फेंकने के बाद शख्स की पिटाई की गई, जो वहां पे तमाम लोग मौजूद थे उनके द्वारा। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अभिषेक, ये वीडियो तो सबके सामने है, हल्दी फेंकता हुआ वीडियो और कथित तौर पर शख्स की पिटाई भी हो रही है। मामला क्या था, किस बात से ये शख्स नाराज था और कहां गए थे ये राधा कृष्ण विखे पाटिल? जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार और मराठा आंदोलन के बीच में कश्मकश अभी भी लगातार जारी है, मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, वही जीआर निकल चुका है, लेकिन मनोज पाटिल जो अनशन पे बैठे हैं वो जीआर को मानने के लिए तैयार नहीं, और अनकंडीशनल आरक्षण दिया जाए मराठाओं की उसकी मांग चल रही है। उसके भीतर तमाम ऐसी और छोटी छोटी कम्युनिटीज है जो लगातार अपनी आरक्षण की मांग कर रही है, उसमें से धनगर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव राधा कृष्ण विखे पाटिल को मिलते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि पिछले 10 साल से हमारा आरक्षण जो मिलना था वो मामला अभी भी लंबित चल रहा है, और उसमें से एक कार्यकर्ता हल्दी निकालकर उनके ऊपर डालकर एक विरोध प्रदर्शन करता है कि 10 साल बीत चुके हैं और अभी तक धनगरों को जो प्रॉमिस किया गया था कि शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से मुस्लिम लोग भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण जो एनसीपी कांग्रेस सरकार के समय पर हाईकोर्ट ने मान्य किया था उसे भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके के इंसिडेंसेस निकल के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। उसमें से आज एक मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कैबिनेट मंत्री है उनके ऊपर हल्दी फेंकी गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। बैक टू यू।